टूए बच्चे, कितना? एक्सरसाइज टूए बुक है तो साथ में निकाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा देता हूँ जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, आ जाओ आइए। प्यारा सा क्वेश्चन कहता, आप मेरे साथ बनाओ, मेरे साथ कॉपी निकाल लो, मेरे साथ आज बनाओ, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोच रहा किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये चीज याद रखना जी। ओके थैंक यू जी बच्चे। कहता है 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू को 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरे, पहला बराबर जब आपको जो है x बराबर का 1 तो y बराबर क्या होगा। ठीक, तो ये पहला नंबर पे बच्चे आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ बच्चे। सर ऑफलाइन भी पढ़ाते हो? हाँ बच्चे ऑफलाइन तो चलता है ये बच्चे। ठीक, x के जगह पे 1 डालो बच्चे पहला नंबर में, 3 इंटू का 1 माइनस का 2, y के जगह पे कितने डालना है यही तो निकालना है, प्लस 1 इक्वल टू का 0। क्लियर? अब मैं इसके बाद काम कर लेता हूँ, 3 माइनस का ये यार, ये तो 2y इज्जत के साथ रहेगा, इनके साथ कोई छेड़खानी है नहीं है। 2y बाबा 3 रुपया, 1 रुपया, क्या रुपया बोलेंगे सर जी, 4 रुपया बराबर का 0, माइनस का 2y बराबर का 0 ना, ये 4 को इधर भेजो बउवा, रे बउवा बॉर्डर क्रॉस कर रहा, 4 इधर गया तो माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू 4 बट्टा का 2, 2 दूनी 4, तो y का वैल्यू 2, तो ये आपका पहला इनका सॉल्यूशन हुआ। ठीक है जी, ओके देखो ये पहला सॉल्यूशन हो गया, ये पहला का हो गया जी। कह रहा था भाई कि x का वैल्यू इतना तो y का वैल्यू निकालना, दीजिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर पे इसी में कहता बच्चे, पहला का ही दूसरा है, बोलता बाबू जब y के जगह पे 5 रख दीजिए तो x का वैल्यू क्या होगा। वही बकलोलवा वाला चीज है भाई, y के जगह पे 5 रख दो जी। ठीक है, y के जगह पे 5 पकड़ लो, इस y के जगह पे 5 डालो, 3x माइनस का 2, y के जगह पे 5 प्लस 1 इक्वल टू का 0, 3x 5 दुनी का 10 प्लस 1 इक्वल टू का 0। बाबा ये 10 रुपया 1 रुपया क्या रुपया, गुड इवनिंग मौसम, गुड इवनिंग। 10 और 1 कितना बोलेंगे, माइनस 9 इक्वल टू का 0, तो 3x माइनस 9 इधर गया तो बच्चे प्लस का 9, तो x बराबर आप 9 बट्टा का 3 बोलोगे, 3 3 9, तो x का वैल्यू 3 हो चुका। दिस इज सॉल्यूशन। देखो कितना आसान है, वैल्यू पुट किए अपन का आंसर आ चुका है, तो ऐसा ही इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दो नंबर क्वेश्चन है बच्चा, दो नंबर प्रश्न है। कहता है निम्नांकित में कौन सही और गलत की बात कर रहा है, पहला नंबर पे इक्वेशन, पहला नंबर पे। कहता है समीकरण दिया हुआ बच्चे, 5x माइनस का 2y बराबर का 7 का एक हल, क्या कहता है, एक हल x के जगह पे 3 है, y के जगह पे 4 है कि नहीं पूछ रहा है बवा रे, ये जो वैल्यू जो है ना 3 और 4 इसका हल है कि नहीं, 3 और 4 इसका 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 हल है कि नहीं, ये पूछ रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कछो नहीं करना है सर जी, क्या करेंगे करेंगे, एक काम करेंगे बच्चा, ये x के जगह पे 3 डालो, अपने मने चेक हो जाएगा, 3 डालेंगे माइनस का 2, y के जगह पे 4 डालो, बोलेंगे जी सर जी, अगर आपका 7 आ जाता है तो आपकी कहानी इट है जी। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए बच्चा, 5 3 का 15, 4 2 8, 15 में से 8 गया तो 7, देखो ये भी 7 है RHS, ये भी 7 है RHS, दोनों बराबर आया। कह रहा था भाई इसका हल है कि नहीं, हाँ बिल्कुल इसका हल होगा। क्लियर हो गया जी, ओके। दूसरा नंबर प्रश्न इसी का सेकंड नंबर प्रश्न है, वो देखो क्या कहता है जी, प्रत्येक समीकरण में तो इसका इसका का केवल एक हल होता है, देखो बच्चे ऐसा दे दिया, और इसका कहता है बच्चे देखो इसमें बिल्कुल टेंशन न को लेना, dx प्लस का ey और प्लस का f इक्वल टू का 0 का एक हल होता है, का एक हल, एक हल। यार इसमें मैं एक बात आ दूं कि भाई अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन होता है तो आपके पास इसमें कोई भी लॉजिक फॉलो कर सकता है। क्या मतलब सर जी, मतलब ये है कि गुरु ये वाला भी आपका फॉलो कर सकता है, ए बट्टा डी नॉट इक्वल टू बी बट्टा ई हो सकता है, चाहे आपका ये वाला रूल फॉलो कर ले, चाहे ये वाला रूल फॉलो कर ले, लेकिन ये सुसरा कहता है कि केवल एक हल होगा, मतलब पहला वाला को फॉलो करेगा, जो गलत है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी आपको हो सकता है ना, इनका वैल्यू तो हमें ओरिजिनल पता ही नहीं है ना, तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकता है, बस यही चीज है। तो मैं एक बात बता दूं, तो इसका आपको क्या होगा कि केवल एक हल होगा, नहीं मतलब ऐसा कोई लॉजिक यहां पे फॉलो नहीं करता। तो यही चीज था भाई, बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन था। आ जाओ, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, पहले अब तीसरा नंबर की बात करते हैं। ठीक है, दो का तीसरा नंबर ही है, और इनके कहने का इरादा ये है कि अविरोधी समीकरण में केवल एक हल होता है। भाई मैं इसमें क्या करूं, ये डायरेक्ट बोलता गुरु कि अविरोधी समीकरण में केवल एक हल होता है, इसका मतलब ये है कि जो अविरोधी समीकरण है ना,
अविरोधी। अच्छा मैंने कुछ गलती लिख दिया क्या यहाँ पे, एक मिनट बच्चा, मैंने एक छोटा सा गलती लिख दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाला अविरोधी होगा, वही तो मैंने सोचा था कि अविरोधी तो ये होता है, अविरोधी ये विरोधी होता है, सॉरी बच्चों। कहता है क्वेश्चन ये कह रहा था कि अविरोधी में जो है ना केवल एक हल होता है, मैं भी देख रहा हूँ भाई केवल एक ही हल होता है, इसी को अद्वितीय हल भी कहते हैं। नहीं तो वो बोल रहा था तीसरा में कि भाई अविरोधी समीकरण का केवल एक हल होता है, हाँ बस ऐसे बताना है जी। तो इसका आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, जो अविरोधी समीकरण होता है उसको हलों की संख्या केवल एक हल होता है, बस यही लिखना है। चौथा नंबर पे इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। पी एक्स के लिए दे चुका है 4x, कितना दे चुका है यहाँ पे 4x है, और प्लस का पी वाई है बराबर का -8 है, और इधर 2x है प्लस का 2y है बराबर का -2। कहता बाबू 4 के जो अतिरिक्त, क्वेश्चन कहता मैंने, क्वेश्चन कहता है 4 के अतिरिक्त जितने भी सभी संख्या सभी पे ये लागू होगा, अतिरिक्त मतलब 4 को छोड़कर, किसको 4 को छोड़कर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, 4 को छोड़कर बोलना है। पहले तो मैं बता दूं बच्चे, a बट्टा d निकालूंगे मतलब 4 बट्टा का 2 करेंगे, 2 × 2 = 4 मतलब 2 हो गया। b बट्टा e निकालेंगे, बोलेंगे सर जी p बट्टू का 2, बोलेंगे सर ये तो बात सही है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चलिए फिलहाल अभी मैं जो बात कर रहा था वो चीज़ है। तो बच्चे आप यहाँ पर सिर्फ बोल रहा था किसके लिए, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब आपको बच्चे a बट्टा d नॉट इक्वल टू b बट्टा e की बात कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है, इसे कहते हैं अद्वितीय हल। इसका मतलब क्या होगा देखो, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, मैं इस साइड में आ जाता हूँ, बिल्कुल टेंशन रखो लेना, मतलब आपका जो है a बट्टा d का वैल्यू बोलो कितना, बोलेंगे सर जी 2, नॉट इक्वल टू b बट्टा e का वैल्यू p बट्टा 2, क्रॉस गुना कर लो तो बोलेंगे सर जी p नॉट इक्वल टू 2 × 4। कह रहा था कि 4 को छोड़ के सभी p के जितने मान रखवे सब ठीक छो, लेकिन 4 को छोड़ के, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 4 को छोड़ के सभी मान क्या कर सकते हैं अपन इसमें रख सकते हैं, तो ये फॉलो कर गया। हाँ जी, तो यही क्वेश्चन आपको कह रहा था। 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार है कि 3x प्लस का ay बराबर का 1 है, तो कहता है bx माइनस का 2y बराबर 3 है, तो का हल x बराबर 1 y बराबर 2 है, ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर का 2 है। इस सिचुएशन में आपको जो है बोला जा रहा है कि a का वैल्यू निकाले, उसके बाद b का वैल्यू निकाले। ओहो हीरो लग रहा है पक्का, हो सकता है हीरो लगते होंगे, बस आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो फिर बिल्कुल हीरो लगना ही चाहिए हमें तो ऐसा नहीं लग रहा। फिलहाल देखिए x के जगह पे 1 बच्चे पहला इक्वेशन में रख दो, किस में, पहला इक्वेशन में, मतलब मैं ऐसे भी नाम दे दूं तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, मतलब समीकरण 1 में अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 में बच्चा, ठीक समीकरण 1 में समीकरण 1 से लिख देते हैं, x के जगह पे 1 डाल देते हैं, इस बकलोलबा x को हटाओ 1 डालो, ए वाई के, वाई को हटा, अरे भाई तू जा, वाई के जगह पे 2 डालो बराबर का 1, ये 3 ये प्लस का 2a बराबर का 1, तो 2a बराबर 1 ये गया -3, तो 2a बराबर माइनस का 2 2 कैंसिल, तो a का वैल्यू -1, ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, a का वैल्यू -1। सर इतना अच्छा होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सॉल्यूशन होता है। चलो इसमें आगे अपन देखते हैं, आ जाइए समीकरण 2 से चलते हैं अपन, किससे, समीकरण 2 से, इसमें भी आप रखते हैं ताकि b का वैल्यू निकल जाए, x के जगह पे 1, ये x को हटाएंगे, b गुनी का 1 माइनस का 2, y के जगह पे बच्चा 2 डाल दो बराबर का 3, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो b माइनस का 2 × 4 बराबर का 3, तो b बराबर 3, ये -4 इधर आया तो प्लस का 4 मतलब 7, देखो बच्चे a का वैल्यू -1 b का वैल्यू 7 आया। आ जाइए 4 नंबर प्रश्न, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कहता है x प्लस, बहुत ही मर्दा एग्जाम में पूछा हुआ, x प्लस y बराबर 6 के कत्ते हल होगा, x प्लस y बराबर 6 के कत्ते हल होगा बच्चे, कोई है ऐसे बच्चे जो बना पाओगे, कछो नहीं बनाना, देखो मैं बताता हूँ, ऐसा अगर इक्वेशन दे दिया इसका यू मतलब है कि इसका कितना वैल्यू होगा तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि एक्स वाई में वेरिएबल है, और बताओ एक्स के जगह पे कोई बच्चा अगर 1 भी डाल देता है ना तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलेंगे 1 प्लस वाई बराबर का 6, तो वाई का वैल्यू बोलेगा 6 − 1 मतलब आपका 5। इसका ये मतलब हुआ कि भाई आप 1 डाले तो 5 आया, 2 डाल सकते, 3 डाल सकते, 4 डाल सकते, 5 डाल सकते, 6 डाल सकते, 7, 8, 9, 10 जितना वैल्यू डालोगे उतना वैल्यू इनका आएगा, मतलब इसकी बात करें तो अनगिनत,
कितना वैल्यू आएगा बच्चे, अनगिनत, अनगिनत वैल्यू इनका आएगा, ठीक है। तो ये चीज है कि जितना वैल्यू डाल सकते हो आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। प्यारा सा क्वेश्चन है पांच नंबर, इसे भी अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कहता है रिक्त स्थानों के भरे, अब कहता है भाई वह समीकरण क्योंकि जिसमें केवल एक और केवल एक हल होता, भाई मैंने पहले लिखा हूं गुरुजी, जिसमें केवल एक हल होता भाई वह अविरोधी कहलाता। अगर आपको दिक्कत लग रहा है इसका मतलब ये चीज पता नहीं है, ये चीज पता कर लो, बिल्कुल टेंशन ना लो, ये चीज पता कर लो। तो पहला पांच का पहला का अविरोधी आंसर लिख लोगे। ये डायरेक्ट थ्योरी यार, मैं इन्हें बनाना नहीं है इनमें, मुझे डायरेक्ट थ्योरी है भाई, थ्योरी पता है, कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा नंबर प्रश्न इसका, पांच का दूसरा नंबर बच्चे, कहता वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो, ओ गुरुजी जिसका कोई हल ना हो वो चीज क्या कहलाता है। ओके जी थैंक यू बच्चे, आ जाइए, जिसका कोई हल ना हो वो क्या कहलाता है जी, जिसका कोई हल ना हो ये वाला विरोधी कहलाता, जिसका कोई हल ना हो वो विरोधी कहलाएगा, जिसका कोई हल ना हो वो विरोधी कहलाएगा। तो पांच के दूसरा में बोल रहा था जिसका कोई हल ना हो, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, विरोधी लिख देंगे। वाह 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 सर, क्या बात है सर, क्या बात है। आइए तो अब हमारे पास छह का पहला है जिसे प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसे सॉल्व करने के लिए ये तीन फार्मूला का हमें क्या करना है, जरूरत पड़ेगा, और अभी जरूरत पड़ेगा। खाली मैं इनको समीकरण का ये हलों की संख्या इसमें मिटा दिया हूं, ठीक है, बाद बाकी इन सभी की आपको जरूरत पड़ेगा, इसीलिए अपन क्या करते हैं, आइए एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है और देता भी है, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का क्वेश्चन इस पे बेस्ड दे देता है, ठीक है। कहता है युग्मक समीकरण 2x प्लस का 3y बराबर का 8 है, क्लियर हो जाए बच्चे, हाँ जी बिल्कुल, 2x प्लस 3y बराबर का अगर आपका 8 हो बच्चा, तो 4x प्लस का 6y बराबर 7 के कितने हल होगा, कितने हल होगा भाई, हलों की संख्या बताना मतलब क्या है, ठीक है, हाँ जी कितने हल होगा। देखो भाई हलों की संख्या आपको सबसे पहले इसमें a बट्टा d निकालो, बोलेंगे सर ये तो अपने को आता ही है, बोलेंगे देखो बच्चा ये a b c, आप चाहो तो इसको अपने पास उठा ला सकते हो, मतलब इधर आया तो माइनस का 8, ये इधर आया तो माइनस का 7, ऐसा एक्चुअली 8 है ना, अगर मैं इनको इधर लाऊंगा तो कितना होगा माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसको इधर लाए तो कितना होगा माइनस 7 इक्वल टू 0, इससे ज्यादा आप क्या कीजिएगा जी। पांच के दूसरा का नाम क्या होगा भाई, पांच का दूसरा में आपका जो है वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो, कोई हल ना हो को क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं, तो आप विरोधी लिखिएगा बच्चे, हाँ जी बिल्कुल, ये तो सिंपल सी बात है। ओ पांडे जी देखिए a बट्टा d, दो a की जगह पे कितना 2 बट्टा 4, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1 बट्टा 2, ठीक है। b बट्टा e निकालेंगे, बोलेंगे सर जी a b c d e f, वाओ क्या बात है जी, वही चीज है, तो b के जगह पे कितना 3, जस्ट नीचे नीचे होता है 3 बट्टा 6, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 1 बट्टा 2, उसके b बट्टा e के बाद c बट्टा f करेंगे, मतलब आपको माइनस 8 बट्टा माइनस 7, मतलब 8 बट्टा का 7, माइनस से माइनस कैंसिल। एक चीज तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चे, कि आपने जो काम किया a बट्टा d 1 बाई टू, बी बट्टा ई 1 बाई टू, मतलब आपका सिंपल सी बात है 1 बाई टू ए बट्टा डी आया, बी बट्टा ई की बात करो तो वो आपका आ चुका 1 बट्टा टू, नॉट इक्वल टू ई, बकलोलबा एक दूसरे के साथ बराबर ही नहीं है, देखो ना 8 बट्टा 7 के, ये दोनों बराबर है ना, ये बराबर ना है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है कब बोलते हैं, जब ये होता है, जब ये तीसरा बराबर ना हो उसे कहते हैं क्या चीज, कोई हल नहीं। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा बच्चे, कोई हल नहीं, ठीक, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब बोल रहा था बच्चे कि हलों की संख्या बताओ, तो बोल देंगे हलों की संख्या भाई कोई हल नहीं। कहता है x प्लस का 2y माइनस 8 बराबर का 0, कहता है 2x प्लस का 4y माइनस का 16 बराबर का 0, लेकिन माइनस 16 नहीं दिया हुआ था, मैं 16 को अपने पास ही ले आया हूँ, ठीक है जी, ठीक ओके जी ओके, इसको अपने पास लिया बच्चे। तो आपको यहाँ पर प्यारा सा काम करना है, a बट्टा d ना, ये आपका एक हो चुका है, हिंदी में पढ़ाते हैं, हाँ अमरेश कुमार हिंदी में ही पढ़ाते हैं, a बट्टा d आप जब निकालोगे बच्चा, तो a की जगह पे कितना बोलेंगे 1, a बट्टा d जस्ट 1 बट्टा 2, क्लियर बोलेंगे, यस सर। b बट्टा e निकालेंगे तो बोलेंगे बच्चे ये 2 बट्टी का 4, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1 बाई 2। अगर आप C बट्टा F निकालते हो तो माइनस 8 बट्टा का माइनस 16,
आठ इकाई आठ, आठ दूनी सोलह, एक बट्टा का दो। ठीक, ये तो आपका क्लियर हो गया जी। ठीक ये भाई, इतना आपने काम कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा। देखा, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, तीनों आपस में बराबर है भाई, आपस की रिश्तेदारी बराबर की निभा रही है। तो इस सिचुएशन में अगर सब बराबर हो जाए तो इसको आश्रित कहते हैं, और इसके हलों की संख्या अनगिनत होता। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मिटा दिए उसमें ना, तो इसके हलों की संख्या क्या होती है बच्चे? अनगिनत होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, हलों की संख्या क्या होगा बच्चे? अनगिनत। तो आप आंसर लिखेंगे इनका, अनगिनत। चलिए, इनका तीसरा नंबर प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न सब है यार, मजेदार क्वेश्चन सब है। क्या मानते हो कि नहीं ये चीज को? ए बट्टा डी कर लो बच्चा, 11 बजे दिन में। हाँ, ये बच्चा सही बताया बच्चे, अविरोधी नहीं, हलों की संख्या पूछ रहे थे। दो बट्टा का छ, दो इकाई दो, दो तिया छ, एक बट्टा दो। बी बट्टा ई, मतलब आपको जो है ये तीन वाई वाले, वाई वाले के तीन बट्टा पांच, आगे मत निकालना। अगर आपका, अगर आपका बच्चे ए बट्टा डी में ये आ चुका, बी बट्टा ई में ये आ चुका, इसका ये मतलब है बच्चे, मैं एक चीज बता दूं क्लियरली, क्लियरली, आगे तीसरा निकालना है नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा आगे नहीं निकालना। ओके, बिल्कुल क्लियर कर लेना बच्चे, तीसरा आगे वाला मत निकालना। मतलब ए बट्टा डी मतलब वन बट्टा टू बराबर नॉट इक्वल टू तीन बट्टा पांच। क्लियर है? आगे निकालना कतई नहीं निकालना, इसीलिए क्योंकि ये वाला रूल फॉलो कर गया ना। अगर ये दोनों बराबर है तब तीसरा चेक करेंगे, ये बराबर नहीं है तो नहीं निकालना। इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। ठीक, हाँ जी, हलों की संख्या केवल एक हल, ये चीज है यार, ये कहानी चल रही थी, नोट कर लो, मजेदार क्वेश्चन सब है। आइए सात नंबर प्रश्न, कहता है युगपत समी, यह देखो मैं इसमें का बताऊं यार, ये बोल चुका है बच्चे, अगर ए वन बट्टा ए टू है नॉट इक्वल टू बी वन बट्टा बी टू है, इस ओसरा का पूछ रहा है कि तो इन समीकरणों के कितने हल होता बउआ, ऐसा सोखला वाला जो छो ये हो, और एक कत्ते हल होता है, तो बोलेंगे सर जी केवल एक के गो हल होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखिए केवल एक हल, कितना लिख दिए? केवल एक हल। एमे तू किच्छो मत करिए, केवल एक हल भ गए, एक को बनाना उनाना नहीं है, डायरेक्ट हुलिया देख के इसके औकात का अंदाजा लगा लेना है। सात का था, चलिए भाई सात के बाद आठ नंबर प्रश्न है, इसको बनाना पड़ेगा, बिना बनाए काम नहीं चलेगा। आ जा भाई, आठ का पहला, पांच एक्स माइनस का थ्री वाई, ठीक है, और माइनस का 11 इक्वल टू का 0, 6y, अगला चीज है बच्चे इसमें, 6y माइनस का 10x प्लस का 22 इक्वल टू का 0। अगर कोई गरीब बच्चा डायरेक्ट एकदम बिना देखे सोचे समझे अगर इस पे काम कर लेता है, क्या क्या मुझे बताओ ना, क्या कि डायरेक्ट 5 बट्टा 6 कर दिया, 3 बट्टा 10, है रे दादा मामला गड़बड़ा दे तो, ठीक मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर तो बोलेंगे सर क्या करें, करेंगे इसको जो है ना एक्स वाले को उल्टा पलटी कर लो। अपने जिंदगी में कभी उल्टा पलटी किए हो कि नहीं? अरे बउआ बचपन में आहा भगवा दिली हो ना, अरे भगवा दिली हो कि ना, रे बुलबो नहीं करता है। आ जाओ वैसा है, इसको भी उल्टा पलटी कर लो, 10x को पहले लिख लो, ठीक है, इसको क्या करो पहले लिख लो, माइनस का 10x, y को बाद में लिखो 6y, प्लस का 22 इक्वल टू का 0, ये आपका समीकरण हुआ। अब इन दोनों का रिश्तेदारी निभाते हैं जी, मतलब शादी विवाह, हाँ जी, ठीक है बच्चा, ये आइए, ये ए बट्टा डी अगर आप करते हो तो ये पांच बट्टा का माइनस दस करोगे, तो पांच इकाई पांच, पांच दूनी दस, माइनस का एक बट्टा दो। अगर आप बी बट्टा ई करोगे तो बोलेंगे सर जी दस बट्टा का छ माइनस के साथ, दू पंचे दस, द्वितीया छ, ठीक क्लियर है? आगे वाला आपको, अरे भाई आगे वाला ओ तेरी, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया क्या? ओहो, पांच बट्टा दस किए तो ये वाला इक्वेशन है ना, इनको नाम दे दो, ऐसा नाम दे, इसको तो मैंने पहले सीधा कर लिया, तीन बट्टा का छ ना लिखेंगे, बी बट्टा ई माइनस तीन बट्टा छ, तीन इकाई तीन, तीन दुना छ, माइनस एक बट्टा दो। अगर आप तीसरे की बात कर ले तो 11 बट्टा 22 है, सी बट्टा एफ अगर अपन निकाल भी लेते हैं तो इनकी खूबसूरती कितना में है, सी बट्टा एफ अगर आप निकालेंगे तो माइनस 11 बट्टा का 22, ये वाला और ये वाला, मतलब 11 इकाई 11, 11 दुना 22, मतलब माइनस एक बट्टा दो। एक चीज तो यहां से साबित हो गया जी,
एक चीज यहां से क्या साबित हो गया बच्चे, एक चीज ये साबित हुआ कि ये माइनस वन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू, ये भी माइनस वन बाई टू, तीनों माइनस वन बाई टू है। इसका ये मतलब है कि ये रूल जो फॉलो करेगा इस पर करेगा, इसको कहते हैं आश्रित। समीकरण पूछ रहा था ना यहाँ पे, शायद समीकरण मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेता हूँ। कहता था क्वेश्चन कि भाई अविरोधी है या विरोधी है या आश्रित है, भाई ये आश्रित है, विरोधी नहीं होगा, गलत बात बच्चे, ये बहुत गलत करते हो तुम, अविरोधी नहीं होगा, ये आश्रित होगा, तीसरा नंबर रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक। तो आप इसको माइनस वन, मैं आगे की कहानी लिखता हूँ यहाँ से, माइनस वन बाई टू बराबर माइनस वन बाई टू बराबर माइनस वन बाई टू, ये तीनों ससुरा आपस में बराबर निभा रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला रूल को फॉलो करेगा, मतलब आपका ये हो जाएगा आश्रित आश्रित, ठीक। हाँ जी ओके, तो इसको ये फॉलो कर रहा है, इसलिए बच्चे कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम आप भरोसा रखो, बना लो अगले टाइम, ठीक है। हाँ जी, आप इसे नोट कर सकते हो, बड़ा प्यारा कंसेप्ट था बच्चे, मुझे अच्छा लगा ये चीज क्वेश्चन बनाने में। आठ का दूसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। मैं इसमें भी क्या, इसको अपने पास बुला के लिख लो डायरेक्ट, माइनस आठ बराबर जीरो, इस ससुरा को भी इधर लाए तो माइनस हो जाएगा, याद रहे मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक मरतब पहले क्वेश्चन लिख लोगे उसके बाद ये काम करोगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ए बट्टा डी करेंगे तो दो बट्टा चार, दुई का दुई दूनी चार, एक बट्टा दो। बी बट्टा ई करेंगे तो माइनस तीन बट्टा माइनस का छ, तीन इकाई तीन, तीन दूना छ, एक बट्टा दो। सी बट्टा एफ करेंगे तो माइनस आठ बट्टा माइनस नौ, मतलब आपका आठ बट्टा का नौ। दिस इज सॉल्यूशन, आगे की कहानी। अविरोधी होगा, वाह चौधरी जी आप तो कमाल कर दिए जी, ये अपन इतना काम कर लिया, बोलेंगे सर आगे तो करिए, हाँ आगे करता। वन बाई टू देखा यहाँ पर बराबर है वन बाई टू, ये भुदनी का नॉट इक्वल टू आठ बट्टा नौ है, मतलब ये तो ये वाला बराबर ना ना है यार इससे, तो एक चीज तो अपने को समझ में आ गया। सर क्या समझ में आया, क्या पल्ले पड़ा? ओ भाई एक चीज समझ में आ गया, ये लॉजिक इस पे है और ये लॉजिक इस पे है, तो इसको कहते हैं समीकरणों को विरोधी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? विरोधी। हाँ जी विरोधी, विरोध करने वाला, हाँ जी विरोधी इसको कहते हैं। तो ये बन गया आपका विरोधी, ऐसा समीकरण कभी भी दिखे तो उसे क्या कहेंगे? समीकरणों की संख्या विरोधी, और आंसर होना ही चाहिए विरोधी भाई, अविरोधी ना ना, विरोधी होना चाहिए। आठ का दूसरा, मैं क्रॉस चेक भी कर सकता हूं, बिल्कुल विरोधी है बच्चे, विरोधी आठ का दूसरा विरोधी है। कितना टाइम में लाइव आते, लाइव आने का जो टाइम है ना बच्चे, वो हमारा टाइम है जो है ना, कितना बजे? सात बजे फिलहाल, कल से आठ बजे लाइव आएंगे, थोड़ा सा अभी थोड़ा टाइम इधर देना पड़ता, रात में आठ बजे आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री होकर एकदम आराम से क्लास करो बिस्तर के अंदर बैठ के, आ जाओ। ये बन गया, ये बन गया, इनकी कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अच्छा विरोधी साइड से होता है, तो ये आपकी कहानी हिट हो चुकी है। चलिए मैं इन्हें मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, आसान क्वेश्चन सब है और ज़्यादा भारी नहीं है, और इसका तीसरा है, इसी में आपको ये सब लॉजिक चल रहा था, इसीलिए इसको नहीं मिटा रहे थे, ठीक है, ताकि मैं आपको ये बात समझा सकूँ, क्योंकि बगल में अगर थ्योरी रहता है ना तो समझाना आसान होता है कि चक्कर किन के साथ किसका है। आईपीएल देखते हो? आईपीएल नहीं देखते बच्चे, अपन ये सब चीज़ें नहीं देखा करते, ठीक है। बस मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख लेता हूँ जब होता है तो। 10m बराबर का 14। अब गुरु अब यहाँ पर से आपको एक काम करना है जी, बनाना है बच्चे, a बट्टा d कर लो, 3 बट्टा 2, ये a हुआ ये d हुआ ना, तो 9 हो जाएगा, ठीक। इनको नीचे भेज दो, दुइये को नीचे भेज दो, तो 3 बट्टा 2 गुने का 9, तीन इकाई तीन, तीन तिया नौ, तो एक बट्टा तीन दुना छ। बी बट्टा ई कर लो, ऊपर में पाँच बट्टा थ्री है और नीचे में माइनस का दस है, इसको भी नीचे ला के लिख दो, पाँच तीन नीचे आ गया तो तीन गुने का माइनस दस, पाँच इकाई पाँच, पंद दुना दस, माइनस का एक बट्टा का दो। उधर का ए बट्टा बी, बी बट्टा सी बट्टा एफ करोगे, ये सात बट्टा का चौदह, सात इकाई सात, सात दुना चौदह, मतलब वन बाई टू। हम ये क्यों निकाल लें भाई? अविरोधी होगा जी, ये निकालने की आवश्यकता नहीं, देखिए दुल्लू बगलुलबा आपस में बराबर का रिश्ता नहीं निभा रहा है, तो तीसरा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, कतई नहीं निकालना है, अविरोधी होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो मैंने कहा किया कि ए बट्टा डी यहाँ पर नॉट इक्वल टू बी बट्टा ई है, मतलब क्या,
मतलब क्या, मतलब क्या, ये मतलब हुआ कि आपका जो है 1/6 बराबर, ऐसे दिखा दो ना यार, नंबरे को दिखा दो ना, दिक्कत क्या है, 1/6 नॉट इक्वल टू -1/2, और इस सिचुएशन को कहते हैं अविरोधी। तो इसको आप अविरोधी आंसर में लिख दो, आपका सॉल्यूशन बन चुका है ये। 4y - 3x = 11 है, तो हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x का वैल्यू 6 आता, y का वैल्यू 1 आता, ये कौन बकलोलबा विद्यार्थी है उनको देख लेना, क्या उसका उत्तर सही था, सकारण लिखे, मतलब आप इसके बारे में बढ़िया से बताएं क्या चक्कर क्या है। x के जगह पे कत्ते मैं एक बार तो लिख लूँ, x के जगह पे 6, y के जगह पे 1 है, कितना, x के जगह पे 6, x के जगह पे 6 और y के जगह पे 1। फिलहाल मैं इन्हीं को देखना है जी, क्या इनका रिलेशन क्या इनके साथ है कि नहीं, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख लेंगे। x के जगह पे समीकरण एक में क्या करो, इनको इस समीकरण एक में काम करो जी, अगर नाम दे दे इनको, सर दे ही दीजिए ना समीकरण 1-2 ताकि समझना आसान हो जाएगा। लो भाई मैंने इनको मिटा दिया और इस बकलोल वाला समीकरण को मैंने यहाँ रख दिया, 4y - 3x = 11, इसे समीकरण का 2 नाम दे दिया, ऊपरा वाले को मिटा दिया। ठीक, आप समीकरण 1 से हम आ जाते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ जाते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि x के जगह पे 6 और y के जगह पे 1 जो आया है क्या ये सही है, तो पहले चेक करते हैं। x के जगह पे 6 डालेंगे 2, इस y को हटाओ भाई, तू हट जा, तेरी कहानी खत्म है, आ जा भाई तू इधर आ जा, 1 बराबर का, अगर 8 आ जाता है तो आपकी कैलिडिटी, आपकी क्वेश्चन मस्त है, मतलब 6 2 इकाई का 2 कितना, 6 2 8, मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये RHS 8 है, ये भी 8 आ गया, मतलब क्या, ये इसको सेटिस्फाई किया, मतलब समीकरण 1 को क्या करता है, संतुष्ट करता है, समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, पहला चीज हो गया। अब मैं दूसरा इक्वेशन को देख लेता, इसको भी देख लेता भाई, इनको इग्नोर क्यों करूं जी, सर मोशन पढ़ाइएगा, ओके भैया मोशन को हम देख लेंगे जी, देख लेंगे। समीकरण 2 से अब अपन चलते हैं, ठीक है, अब इनके साथ भी कुछ कर लेते हैं, कुछ कुछ गपशप करते हैं जी। x के जगह पे 6, y के जगह पे पहले बोला, तो y के जगह पे बचवा 1 डालेंगे और 3, x के जगह पे जो डालना है वो 6 डालना है, आना चाहिए बराबर में 11, अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो फिर ये संतुष्ट नहीं करता, 4 - 18 मतलब -14, ये तो घोर अनर्थ है, -14 आएगा जी, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, -14 ये ठीक है, मतलब समीकरण 2 को क्या करता है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता, समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है। ये तो हो गया अपना लॉजिक भाई, कि आपको सकारण भी बता दिए कि भाई ये सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, ये आपको इसको सेटिस्फाई ही नहीं करता, तो इसलिए आपको संतुष्ट नहीं करता, वही चीज़ हुआ। ठीक, क्या उसका उत्तर सही था, नहीं भाई इसका उत्तर गलत था बच्चे, ठीक है, इसका उत्तर क्या था बच्चे, गलत था, दिया गलत दिया क्या, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इसका उत्तर सही नहीं है, देखो ना भाई, ना ना आया भैया, एक तो सेटिस्फाई किया, दूसरा तो नहीं ना किया, इसलिए इनको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू जा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिखो, नहीं हटा, दिख रहा होगा जो है भाई, इसका कौन विद्यार्थी है जो ऐसा करता है, बगललवा इसका विद्यार्थी सब बहुत खतरनाक है, इधर गड़बड़ करता है, इधर हम लोग को करना पड़ता है, 1 है तो केवल 1, x के जगह पे 2, y के जगह पे 1 करना है, तो 1 और 2 दोनों में खेल लेते हैं, x के जगह पे समीकरण 1 से, ठीक, x के जगह पे कितना रखना है 2 और y के जगह पे 1 रखना है, ठीक है, मैं एक बार तक चेक कर लूँ, 2 और 1, ठीक है जी, समीकरण 1 में x के जगह पे 2 डाला, y के जगह पे 1 डाला, 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया सेटिस्फाई किया, हाँ जी ये समीकरण, समीकरण 1 को क्या करता है, संतुष्ट करता है, तो समीकरण 1 को ये क्या करता है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, संतुष्ट करता है। ठीक, तो 1 हो गया आपकी कहानी हिट, समीकरण 2 को भी सेम प्रोसेस के साथ चेक कर लेंगे, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है, ओके जी आइए, समीकरण 2, ये हमारा समीकरण का 2 है बच्चा,
ये आपका 2x। अच्छा एक काम करो बच्चा, x की जगह पे कितना डालेंगे, दो डालेंगे बच्चा, ठीक, x के जगह पे दो, y के जगह पे माइनस थ्री, वाई के जगह पे आपका वन है। फिलहाल देखो बच्चे ये टू टू दोनों आपस में गुना कर, देखो ना दोनों को गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो दूनी चार, माइनस का थ्री, अरे बाबा चार में से तीन, एक तो है भाई, रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब आपका इसका RHS और इसका RHS दोनों लॉजिक को क्या किया, ये फॉलो किया। अब आपको टेंशन नहीं है जी, अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हो गया। तो मतलब क्या करता है ये समीकरण दो को भी, सेम प्रोसेस, समीकरण दो को भी क्या करता है ये संतुष्ट करता है, दो को भी संतुष्ट करता, मतलब ये क्या है, जो विद्यार्थी जो था वो सही आंसर दिया बच्चे, ठीक है, संतुष्ट करता है, ठीक। तो पूछ रहा था गुरुजी, पूछ रहा था कि क्या उत्तर सही था, हाँ इसका उत्तर आपको सही था। तो ये चीज था बच्चे और यही कहानी था बच्चा, ठीक है। वाओ क्या प्रश्न है, 10 का पहला बच्चा, देखिए 10 का पहला कहता है कि x प्लस दो चर वाले समीकरण में 3x माइनस का 2y बराबर का 9 को संतुष्ट करने वाला मान भुज या कोटि, भुज का मतलब x, कोटि का मतलब y, ठीक है, भुज या कोटि सरानी में दिए गए हैं। और यहां पर जो सरानी है अपना, सारणी जिसको कहते हैं, ठीक, x और y के लिए देख लीजिएगा गुरुजी, 3 और यहां पर माइनस वन है और यहां पर 3 है और डॉट डॉट करके दिए हुआ है और यहां पर डॉट डॉट है और जीरो है, ये सब खाली जगह में डॉट डॉट है। अब टेंशन मत लेना, मैं इनको सॉल्व करता हूं, चुटकी में बन जाएगा, चुटकी में मतलब बजाकर नहीं बनेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। 3x माइनस 2y बराबर का 9, गुरुजी x के जगह पे 3 डालिए, पहला वाला x के जगह पे 3 है, ठीक। तो जब आप x के जगह पे 3 रख दोगे ना, तो 3 गुनी का x के जगह पे, x को हटा दिए क्योंकि 3 डाले x के जगह पे, रिप्लेसमेंट, माइनस का 2y बराबर का 9, माइनस 2y 9 अपने जगह पे, और ये जो बकलोलबा दिख रहा है सांड जैसा जो बैठा हुआ है 9 इधर आ जाएगा। 10 का आंसर 0 माइनस 6 होगा, वाह यार कोई तो बना रहा है, ये होना चाहिए, माइनस 2y 9 में से 9 गया तो 0, तो y के जगह पे 0 बट्टा माइनस 2 मतलब आपका हो चुका है 0। तो एक वैल्यू आपका आ चुका है y के जगह पे, कत्ता निकला बच्चे 3 रखे तो 0, मैं इस बक्सा में भर दिया 0, दिस इज आंसर। अब मैं जब क्या कर लेता, अगला चीज है, अगला का दिए हुआ है y, x का ही वैल्यू दिए हुआ माइनस 1, जब x के जगह पे माइनस 1 हो जाए, बोलेंगे सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 x को हटाया, माइनस 1 डाला, माइनस 2 लिखा, y तो पता ही नहीं, वही तो निकालना है। अब देखो 3 इकाई का 3 माइनस का 2y बराबर का 9, ओके यहां पर से माइनस 2y, ये 9 इधर और माइनस 3 इधर गया तो प्लस 3, ओके। अब देखो आगे की कहानी, इसमें ये माइनस 2y और 9 3 12 तो 2 6 12 तो y का वैल्यू माइनस का 6, वाह सर क्या बात है, क्या निकाल ले हो, माइनस 6 ठीक है, ये सही है माइनस का 6, आगे भी निकाल के ट्राई करो, ट्राई करते रहो आगे निकाल के, उसके बाद फिर डॉट डॉट के नीचे क्या है 3, तो ये y के जगह पे है, ये x वाला लाइन, ये y वाला लाइन, समझते नहीं हो जी। अब y के जगह पे कितना 3, तो जब आप y के जगह पे 3 डाल देते हो कितना 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले सर ये तो बड़ा मस्त चीज है, ओहो लल्ला, y के जगह पे 3 डालो, 3 x माइनस 2 y के जगह पे 3 बराबर का 9। अब देखो ये 3x, ये 3 दुना 6, इसको इधर भेजो बाबा, माइनस 6 ना तो प्लस 6 हो जाएगा, बुड्रा क्रॉस करेगा तो, हाँ जी, और 9 ही चेंज करेगा, अगर बाबा चेंज करेगा, ऐसे नहीं चेंज करेगा, 3x और 9 6 15 और 3 या 5 15 तो x का वैल्यू 5 आ गया, वाह सर वाह, आपने तो कमाल कर दिया, मैंने नहीं, इनका आंसर कमाल हो गया जी, 3 रखे तो कितना आया 5, तो इस डॉट डॉट की जगह पे 5 डालोगे, सर क्या बना रहे सर, हमें पल्ले नहीं पड़ा, वाह ये पल्ले पड़ा इस लड़का को।
आइए इसका आगे की कहानी, एक मरता जीरो रखना है, जब वाई के जगह पे जीरो हो जा, वाह गुरुदेव क्या कर रहे हैं आप, ठीक आ जाओ बच्चे, जब y के जगह पे 0 3x माइनस का 2, y के जगह पे 0 बराबर 9, याद रखना बाबा 0 इज अ कमीना, ऐसा मत सोचना, 0 एक ऐसी संख्या है, ऐसा चीज है कि जिसके में जो नंबर से गुना करते, दिस इज नंबर से अगर गुना करते तो वो 0 हो जाता, बोलता ए, बड़ा एटीट्यूड वाला चीज है, बोले जो मेरे सामने आया वो तो टिक ही नहीं पाता, हालात सच है इनके साथ, इनके सामने कोई भी नंबर आ जाए मल्टीप्लाई डिवाइडेड वो 0 कर लेता जी, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका हो चुका है 0, तो खेले खत्म, बराबर का 9, 3 3 9, तो x का वैल्यू 3, जब आपने 0 डाला तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, यही आपका आंसर हुआ। बॉक्स को भरना था और बॉक्स की मदद से बेटा, ठीक। हाँ जी, आप जल्द से जल्द इनको काम करो जी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए इनको। दूसरा नंबर बड़ा प्यारा कंसेप्ट है इनका भी, ये कहता है 2x प्लस का 5y माइनस का 7 है बराबर का 0 है, ठीक। और बगला में एक मैंने ये लिख दिया डब्बुक, सर जी डब्बुक में क्या है बउआ, अभी आम का टाइम चल रहा है, समझ लो इसके अंदर आम भरेंगे, इसमें 0 है, इसमें डॉट डॉट है, इसमें डॉट डॉट, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 0, इसमें डॉट डॉट, इसमें माइनस वन। आपने एक्स के जगह पे 0 का खेल किया, एक्स के जगह पे 0, 2 गुने का एक्स के जगह पे 0 प्लस का 5y माइनस 7 इक्वल टू का 0, ये पार्ट आपका 0, कोई नहीं रोकेगा गुरु 0 होने से, 0। और ये प्लस 5y माइनस का 7 बराबर का 0, इस 7 को इधर भेजो, 5y बराबर का 7, तो y बराबर 7 बट्टू का 5, करेक्ट है, करेक्ट है गुरुजी, 7 नंबर 5 सही है, सही है 7 बट्टू का 5, क्लियर। मैं क्या करता हूं, जब इसको फिर अगला वाला e वाले में चला, इसमें नहीं दिया, इसमें दिया, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, जब आपने y के जगह पे 0 डाला, 2x y को हटा देंगे, 0 बैठा देंगे, माइनस 7 लिखेंगे, बराबर 0 करेंगे, ये 2x है, ये 0 से गुना हुआ, ये ससुरा 0 हो जाएगा, 0 अपने आप में काबिल है, इसके सामने किसी का औकात नहीं है, कोई का चलता ही नहीं है, जैसे धर्मपत्नी के सामने पति का नहीं चलता, नहीं हालात वही है, एकदम से भीगी बिल्ली बन जाता घर पे आके, वही चीज है, बाहर में शेर बनता, घर पे आके भीगी बिल्ली, हालात इनका भी वही है, ये भी खेल खत्म इनका, अपने में संभालेगा जी। ओके गजब, आप लोगों ने आंसर दिया जी। फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये माइनस 7 उधर जाएगा, तो 2x बराबर का 7, ठीक, तो x बराबर 7 बट्टा का 2 है, और ठीक है 7 बट्टा 2, मैं और कर देता, इस बकलोर को देख लेता, x के जगह पे जब 1 हो, जब x के जगह पे 1 हो, 2x के जगह पे 1 प्लस का 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 5y 2 में से 7 गया तो बोलेंगे सर जी माइनस का 5वां, हाँ माइनस का 5, 2 में से 7 गया तो माइनस 5 इक्वल टू 0, 5y ये माइनस 5 इधर गया तो प्लस का 5, तो y बराबर 5 बट्टा का 5, दोनों कैंसिल, y का वैल्यू 1 आ गया, क्या बात है सर जी क्या बात है। अब देखो जब आपने x के जगह पे 1 डाला तो y के जगह पे आपका 1 आ गया। अब देखो फिर मैं अगेन मैं, जब हम y, ये देखो ये ऐसे आ जाओ, y के जगह पे माइनस 1 डालो, इक्वेशन ऊपरा वाला 2x y गुने माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू का 0, आ जाओ ये 2x आपका रहेगा ही, 5 माइनस 1 मतलब माइनस का 5 माइनस 7 इक्वल टू का 0, ये 7 5 12, 2x माइनस का 12 बराबर 0, माइनस 12 इधर गया तो प्लस का 12, 2 छक्के 12, तो x का वैल्यू 6, जब आपने माइनस 1 डाला तो ये आपका 6 हो गया, दिस ये सॉल्यूशन बन गया इनका, यार क्या बात है जी।
नंबर या प्राकृतिक संख्या जो आपको 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक हो जाए वो चीज है। अगर आप इसमें क्या करते हैं होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं ना, 0 एंट्री कर देते हो तो ये आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंट है। P by Q को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। आ जाओ 11 का पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए जो है पब्लिक में अनाउंस कर दो कि हम लोग 11 का पहला बना रहे हैं। ओके कहता है x प्लस का 2y बराबर का 9 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का हल लिखे। बहुआ प्राकृतिक जो संख्या है ना उनके समुच्चय का हल लिखना है। किनकी? प्राकृतिक संख्या के समुच्चय का हल 1, 4। ठीक, इसमें उस संख्या को बच्चा आप अकेला कर लीजिए जो पहले से अकेला है, जैसे x अकेला है तो x को अकेला कर लो, 9 ये 2y इधर गया तो माइनस का 2y, पहले इतना कर लो। अब मैं इस y के जगह पर जो है e, ये y की इस तो x का वैल्यू निकलेगा ना, y के जगह पे 1, 2, 3, 4 तब तक रखते रहेंगे जब तक कि ये माइनस ना हो जाए। ठीक, तो y के जगह पे पहले 1 रखो, जब आपका y के जगह पे 1 हो तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 1 रखिएगा तो x बराबर में ये 9 ये माइनस का 2, y के जगह पे 1 मतलब x बराबर 9 माइनस का 2 7 आया, पहला तो आ गया 1 और 7। बोलेंगे जी सर जी, जब आप y के जगह पे 2 डालेंगे जी, यहां पे लिख देते हैं y के जगह पे 2। मैं क्या करता हूं जब y के जगह पे 2 डालते हैं जी, तो x बराबर का 9 माइनस का 2 गुनी का 2, तो x बराबर 9 माइनस का 4 मतलब x का वैल्यू 9 में से 4 गया तो 5। ठीक, मतलब क्या हुआ जब आपने y के जगह पे 2 डाला, ओ माय गॉड मैंने यहां गलती लिख दिया जी, x के जगह पे 7 था ना, पहले कभी भी x वाले को लिखते हैं, पहले कभी भी x वाले को उसके बाद y वाले को लिखते हैं। x के जगह पे यहाँ पे कितना आया, 5 आया और y 2 था, 5 2 दो को अभी निकला है, ये निकालेंगे 2-4 मिनट तक और निकालेंगे, मतलब क्या और जब तक निकालेंगे तब तक ये नेगेटिव ना हो जाए। अगला चीज है जब आप जो है y के जगह पे 3 डालते हैं, ठीक, तो x माइनस का x बराबर 9 माइनस 2 या 6, 9 में से 6 गया तो 3, तो जब आपने y के जगह पे x के जगह पे 3 तो y के जगह पर भी 3 आया। ठीक है, ये आपका तीसरा आपका हुआ। और निकालो जब आप जो है y के जगह पे 4 डालते हो, x बराबर का 9 माइनस का 2 गुनी का 4, 9 माइनस का 8 मतलब x बराबर 9 में से 8 गया तो 1, मतलब कितना y के जगह पे आपने 4 रखा तो x का वैल्यू आया 1 और 4। सर जी आगे भी रखिएगा, हाँ जी जब आप y के जगह पे 5 डालते हो तो बच्चा वाला सर चीज है, डालते जाइए, तो x बराबर 9 माइनस का 2 गुनी का 5, 5 दुनी का 10 माइनस 1 जो नहीं ले सकते, नॉट इक्वल टू, क्योंकि इसमें जो है ना आपको चाहिए वो नंबर हटाओ, इसमें आपको चाहिए किसमें, इसके अंदर माइनस तो नहीं है ना, उसके अंदर कतई लागू नहीं होता, मतलब आपको ये नेगेटिव वाला लेना ही नहीं है, मतलब यहां तक नहीं लेना है। हो गया जी, आपका जो आंसर आएगा फाइनली आप लिखोगे आंसर फाइनली, मतलब परिमेय संख्या का समुच्चय, पहले ये भी लिख सकते हो आंसर में देखोगे तो पहले ये लिखा हुआ है, आपकी इच्छा अगर पहले ये लिख दे तो फिर भी दिक्कत नहीं है, तो पहले आप इसको भी लिख सकते हो, ये x वाला पहले था तो इसीलिए लिख दिया 1, 4, 3, 3 उसके बाद जो आया है 5, 2 नहीं उसके बाद जो आया है 7, 1, तो ये इस तरीके से क्या होगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप पहले किसको लिखते हो उसको लिखते हो, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, इनके भाई इनको तो आप बना सकते हो ना, मैं निकाल देता हूं, मैं किसको अकेला करूंगा, जो सिंगल है उसको अकेला कर लीजिए, y बराबर 11 माइनस का 3x। ठीक, अब इन नेचुरल नंबर ही रखना, y के जगह पे कितना, x के जगह पे कितना 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, जब तक आपका ये माइनस आ जाए तब तक रखना है जी, प्लीज यार जल्दी बनाओ ना यार, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ जी बहुत जल्दी से, कब आप लोग बनाओगे, कब बनाओगे, कब बनाओगे, कब बनाओगे। हाँ रियली,
आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। दो पांच आएगा पहला रखोगे तो। चलो ठीक है, अब हमारे साथ मिलाओ। जब आप जो है x के जगह पे 1 रखते हो, जब x के जगह पे 1 डालते हो तो मतलब 3 यहाँ पे y बराबर का ये 11 माइनस का 3 गुनी का 1, 11 में से 3 गया तो कितना 11 रुपया में से 3 गया तो 8, 3 11 8, तो 1 और 8 आपका यहाँ पे वैल्यू आया। जब आप x के जगह पे 2 डालते हो ठीक, तो यहां पर आप लिखोगे 3x को हटा, यहां सॉरी बच्चे यहां ये वाले में, यार मैं ऊपर वाले में चला जाता हूं, y बराबर का 11 माइनस का 3 गुने का 2, x के जगह पे 2, तो 11 माइनस का 6, 11 में से 6 गया तो 5, ये y का वैल्यू आया। x के जगह पे आपने 2 रखा तो 5 आया, बिल्कुल करेक्ट है, 2 5 वाले। आ जाइए, जब आप जो है यहां पर चेंज कर देते हो, कितना x के जगह पे 1 2 हो गया, आप 3 रख देते हैं, कितना बचे 3 यहां, तो y बराबर आप लिखोगे 11 माइनस का 3, x के जगह पे 3, 3 3 9, 11 माइनस का 9 मतलब का 2। जब आपने 3 रखा, किसके जगह पे 3 रखे थे, x के जगह पे, x नहीं लिखे थे क्या, x के जगह पे 3 रखा तो ये 2 आया। जब आप जो है x के जगह पे 4 रखते हो यहां पर, तो y बराबर 11 माइनस का 3 चौकी 12, ये माइनस आ गया जो कतई नहीं होगा लागू, माइनस 1 आपको जो है इसमें आपको मुश्किल हो जाएगा फिर ठीक। हाँ जी, तो ये y का वैल्यू आ गया, जो आपको ये 4 निकालना ही नहीं है, माइनस में आ गया नहीं निकालना, यहीं तक आपको रख देना है जी, 4 हाँ यहीं तक रहने दीजिए। आपका फाइनली जो होगा आप लिख दीजिएगा, जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का समुच्चय, समुच्चय जो होगा क्या होगा, पहला आपने निकाला 1 और 8 और 2 और 5, 3 और 2 और भी होगा बच्चे, 3 को इसका निकला है तो।